नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जो पहले अप्रैल 2020 से लागू होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक नई आबकारी नीति के प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी, जिन पर आबकारी आयुक्त आवश्यक सुनवाई के बाद अपने सत्र पर निर्णय लेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज की कैबिनेट की बैठक के अंदर टोटल 13 टेबल एजेंडा थे, उसके अंदर से 10 पारित हुए, 2 डेफर किए गए और 1 को वापस भेजा गया LRK सजेशन के लिए। उसके साथ स्पेशल एजेंडा के तौर पर 2021 की हरियाणा प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इस एक्साइज पॉलिसी के अंदर कई स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग लेवल पर कई बैठकें विभाग द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा पिछले 110 दिनों में करी गई, और सबका ध्यान रखते हुए प्रदेश के अंदर कैसे रेवेन्यू बढ़े, प्रदेश के अंदर कैसे क्वालिटी इम्प्रूव हो, प्रदेश के अंदर कैसे कार्टेल को रोका जाए और प्रदेश में इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म करते हुए कैसे डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा किया जाए, पॉलिसी के अंदर तमाम चीज़ों को हमने छूने का काम किया है। हमारा एस्टिमेटेड 2019-20 का जो एक्साइज का इनकमिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 6600-6700 के आसपास की है, और इस नई एक्साइज पॉलिसी से हमने एक टारगेट लिया है कि हम जहाँ पर साथ लगते हुए प्रदेशों को भी मॉनिटर करेंगे, वहीं प्रदेश के अंदर ये अनुमान है कि हम 7500 प्लस अगले एक्साइज ईयर से रेवेन्यू को अचीव करने का काम करेंगे। एक जो पंचायती राज अमेंडमेंट के बाद कदम उठाया गया पॉलिसी के अंदर, उन तमाम ग्रामों को जो ग्राम सभा के माध्यम से पूरी तौर पर अप्रूव होकर आए हैं, इस पॉलिसी में हम बार करने का काम करेंगे कि उनके अंदर लिकर वेंट नहीं खोले जाएंगे। कई चीज़ें जो हमने इस पॉलिसी के अंदर ज़रूर ध्यान रखी है कि फॉरेन लेकर का एक कार्टल टाइप हमारे प्रदेश में बना था, जिसके अंदर 2 ही लोग थे जो फॉरेन लेकर को प्रदेश में इंपोर्ट कर रहे थे। उसको तोड़ने के लिए हमने जो हमारे फॉरेन लेकर वेंड्स हैं या होलसेल ऑफ फॉरेन लेकर है, उसको हमने 1 करोड़ रुपए के अंदर ऑक्शन करने का काम किया, जिसमें कोई भी फॉरेन प्लेयर भी आकर अपने आप को हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टोरेज की कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। दिल्ली को देखते हुए, क्योंकि आज बड़ा अधिकतम एरिया था जहाँ पर हमारा ट्रेड हमारे गुड़गांव के, पंचकुला के और फरीदाबाद के बार्स रेस्टोरेंट्स आज लॉसेज में जा रहे थे, जो दिल्ली को कम्पीट नहीं कर पा रहे कई चीज़ों में, तो हमने अधिकतम रिलैक्सेशन भी वहाँ दी है। और एक जो डिमांड बारी 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 लोगों की भी आ रही थी कि टाइमिंग ऑफ जो फैसिलिटीज है उसको इंक्रीज किया जाए, तो ये निर्णय इस पॉलिसी में लिया गया है कि दिल्ली के कंपैरेटिवली, दिल्ली की पिछले साल 1 बजे तक की थी, उसको हमने 1 बजे तक एट द लाइसेंस कॉस्ट और उसके बाद 2 घंटे के लिए 10 लाख रुपीज पर आर के हिसाब से इंक्रीज करा सकते हैं अगर कोई देना चाहे तो। उसके साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या बारी बारी सुनने में आती है कि डिस्टिलरी से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है, और उसको मॉनिटर करने के लिए पॉलिसी के अंदर जहाँ ट्रैक एंड ट्रेस का हमने कदम उठाया है कि प्रदेश के अंदर पहले होलोग्राम की व्यवस्था थी, होलोग्राम के साथ साथ
प्रदेश के अंदर क्यूआर कोडिंग के साथ जीपीएस टेक्नोलॉजी मॉनिटर्ड हम एक एक यूनिट को मॉनिटर करेंगे ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से, प्लस डिस्टिलरी के अंदर इस तरह की रेगुलरिटीज ना हो। हमने एक कदम उठाया है कि फ्लो मीटर प्रदेश की डिस्टिलरी में आने वाले दिनों में हम इंस्टॉल कराने का काम करेंगे, जिसके अंदर एक एक ड्रॉप ऑफ स्पिरिट प्रोड्यूस को भी हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे। जहां एक बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे समस्या हमारे सामने आई कि हम परमिट करते थे कि शहरों के अंदर मॉल्स के अंदर भी दुकानें हों, पर उनके रेट्स इतने हाई होते थे कि कोई भी वेंडर मॉल के रेट को या मॉल के फ्लोर प्राइस को कंपीट नहीं कर पाता था। हमने ये टारगेट लिया है कि 10 लाख रुपए के एडिशनल फीस के अंदर कोई भी उस जोन का वेंडर अपनी दुकान को सिर्फ उसके अंदर फॉरेन वाइन, फॉरेन बियर और फॉरेन लिकर ही सेल होगी, वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर खोल सकता है, पर मैक्सिमम अप टू 30। ये नहीं कि हर मॉल में खुल जाएगा, 30 से ज़्यादा हम इस वित्त वर्ष के अंदर परमिट नहीं करेंगे। जहाँ आपकी वेंड्स की बात थी, आज के दिन कोई वेंड्स पे मॉनिटरिंग नहीं है कि कितनी बॉटल्स आई कितनी बॉटल्स गई। उसके लिए कैबिनेट ने आज ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर इस एक्साइज पॉलिसी के बाद जितने भी हमारे वेंड्स खुलेंगे उन तमाम वेंड्स के अंदर POS मशीन लगाई जाएगी, जिसके अंदर एक एक बोतल को स्कैन किया जाएगा। और पहले एक फीस होती थी कि अगर बिल ना दो तो 500 रुपये की पेनल्टी थी, अगर अब कोई POS के बाद भी कंज्यूमर को बिल देने का काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी को 5,000 रुपये हमने करने का काम किया। जहाँ क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, समस्या आ रही थी कि पहले हत्थे खुल जाते थे वेंड्स के साथ, उन अनुमत कक्ष के अंदर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी, और बड़े अधिकतम शहरों के अर्बनाइज्ड एरियाज के अंदर लोग इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। जहाँ हमने उन फैसिलिटीज़ की फ़ीस बढ़ाने का काम किया है, वहीं अनुमत कक्ष विल बी मॉनिटर्ड अंडर FASSI नॉर्म्स, उनको तमाम वो नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। वहीं जो हमारी बॉटलिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन हो। पहले पेट बॉटल इंट्रोड्यूस करी गई थी, मगर उसके अंदर भी बारी बारी कंप्लेंट आती थी कि सस्ती क्वालिटी के प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था, तो उसको टोटल बैन की तरफ ले जाने के लिए हमने इस बार निर्णय लिया है कि कोई भी हमारे प्रदेश के अंदर अगर यूनिट सेल होगा तो इट शुड फुलफिल ऑल नॉर्म्स ऑफ FASSI PET बॉटल्स के। उसके साथ जितनी माइक्रो ब्रूरीज है, शहरों के अंदर एक नया प्रचलन बना है, माइक्रो ब्रूरीज खुल रही है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए अब हर महीने हर माइक्रो ब्रूरी को जो उनका लोकल केमिस्ट है उसका क्वालिटी बैच चेक परमिट लेना पड़ेगा। जो वो एक बैच इशू बनाएंगे उसके लिए केमिस्ट का परमिट आएगा, और वो परमिट उसकी ब्रूरी के अंदर डिस्प्ले एट ऑल टाइम रहना चाहिए विजिबिलिटी के अंदर, ये नहीं कि ऑफिस के अंदर छुपा दे, ब्रूरी के अंदर उस बैच का परमिट जिसके अंदर उसकी क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ अल्कोहल उसका तमाम जो मापदंड है वो पूरे होने चाहिए। एक ऐतिहासिक निर्णय जरूर मैं इसको बोलूँगा कि पिछले कई वर्षों से बड़े वेंडर्स के पास बड़े बड़े जोन जाते थे और उसके अंदर नए लोग इस ट्रेड के अंदर नहीं आ पा रहे। उसके लिए सरकार ने आज निर्णय लिया है कि जहाँ पहले 6 वेंड का एक जोन बनता था पूरे प्रदेश के अंदर, अब उसको छोटा कर 2 वेंड का जोन बनाया जाएगा, जिसके अंदर सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और नए प्लेयर, छोटे प्लेयर, नए एंटरप्रेन्योर्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना आपको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। साथ में एक निर्णय आज जरूर लिया गया है कि प्रदेश के अंदर जैसे क्वालिटी चेक के लिए बड़ी कंपनीज अपनी लेबोरेटरीज बनाती हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अपने लैब्स होते हैं, प्रदेश के अंदर एक्साइज लैब भी हम बनाने का काम करेंगे जो हर प्रकार की क्वालिटी की अल्कोहल को चेक कर पाएगा। और एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जहाँ क्वालिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है उसके अंदर डिपार्टमेंट के तमाम साथियों से चर्चा कर इंडस्ट्री के तमाम साथियों से चर्चा कर आज ये निर्णय लिया है कि पहले प्रदेश के अंदर EDP जो थी
वो 750 से भी नीचे की अल्कोहल हम सर्व कर देते थे, एक्स डिस्टिलरी प्राइस EDP होता है। आज निर्णय लिया गया है कि 900 रुपये से सस्ती दारू इंग्लिश दारू के नाम पर कोई भी हमारे प्रदेश में नहीं बेच पाए। 900 रुपये बोतल नहीं, एक्स डिस्टिलरी प्राइस जिसका 900 रुपये था, इस पॉलिसी के अंदर अगले वित्त वर्ष से उसको पूरी तौर पर हम कंप्लीट बैन करने का काम करेंगे। और उसके साथ देसी दारू में जो कोटा सिस्टम था, पहले 40% कोटा था, हमने उसको भी रिड्यूस कर 20% किया है। और ये ऐतिहासिक निर्णय है कि इसी पॉलिसी में कह दिया कि अगले साल प्रदेश के अंदर देसी दारू का कोटा पूरी तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि बॉटलिंग प्लांट्स और डिस्टिलरीज दो अलग तरह के यूनिट्स रहते हैं। इस एक्साइज पॉलिसी में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं वो फिर देसी जो हमारे कंट्री लिकर है उसको बॉटल नहीं कर पाएंगे, वो अपनी डिस्टिलरी के ही बॉटलिंग प्लांट में बॉटल होंगी, ना कि दूसरे स्टेशन पे जाकर, जिससे क्वालिटी के अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आने का काम हो। एक निर्णय ये भी लिया गया है कि प्रदेश से एक्सपोर्ट बढ़े उसके लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी IMFS के अंदर, वो पहले 4 थी, उसको घटाकर 2 करी गई है। और जो एक्सपोर्ट आउटसाइड स्टेट था बॉटलिंग फीस का, उसको हमने आधा कहाँ करा है, और एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया को 0 कर दिया है कि हमारे प्रदेश से कोई बनाकर विदेश में भी बेचना चाहेगा तो उसको 0 रुपीस पे किया जाएगा। हरियाणा टूरिज्म, क्योंकि एक हमारे गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा है, उनकी एक बड़ी मांग थी कि उनको भी होटल इंडस्ट्री से कम्पीट करने पर बड़ा टैक्स लगता है, तो जैसे पहले HSVP को लिबर्टी थी, उनका एक फिक्स लैब था कि कितने भी उनके यूनिट्स होंगे उनको 1.5 करोड़ रुपया सालाना के अंदर वहाँ पर लाइसेंस मिलेगी। ये आज निर्णय लिया गया कि टूरिज्म को भी हम 1.5 करोड़ एट पार लाने का काम करेंगे, उसके अंदर भी हमने उनको राहत देने का काम किया है। साथ में जहाँ 5-स्टार होटल की कैटेगराइजेशन प्रदेश में कम हुई, ये एक ऐसी टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसके अंदर स्टार रेटिंग बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करती है, हमने जहाँ उनकी फीस को रिड्यूस किया है उसके साथ साथ 4-स्टार प्रॉपर्टीज़ की फ़ीस को भी रिड्यूस किया। और पहले पॉलिसी थी कि जिसका होटल है वही वहाँ पर बार चला सकता है या अपनी यूनिट खड़ी कर सकता है। 5-स्टार में था 1+3 का मेन यूनिट +3 यूनिट, और 4-स्टार में था 1+2 का। इस पॉलिसी के अंदर हमने ये लिबर्टी दी है कि जो मेन यूनिट है उसके एडिशनल जो यूनिट है इन बड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो सब लीज भी कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर परमिसेबल है, जिससे उनके बिजनेस के अंदर भी वृद्धि आएगी। वहीं प्रदेश के अंदर जितने ये हमारे बड़े बड़े मैरिज प्लेसेस हैं, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पार्टीज होती हैं, कोई शादी का फंक्शन होता है, इनको परमिट इशू करने के लिए इंस्पेक्टर नहीं मिलते। हमने उसको प्रॉपरली डिजिटलाइज करने का निर्णय लिया है और उसके अंदर इंस्पेक्टरी राज को पूरी तौर पर समाप्त करने के लिए उनको ऑनलाइन परमिशन अलाउ कर दी है। और ऑनलाइन परमिशन की फ़ीस भी बड़ी वायबल सी 7,500 रुपये पर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, मगर वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट, उसकी एक फ़ीस हमने निर्धारित करी है, जिसके अंदर जो बड़ी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है वो सालाना 40,000 रुपये, उसके बाद 20,000 रुपये और छोटी 10,000 रुपये। अगर कोई अपने स्वयं घर के लिए कोई बर्थडे है या किसी तरह का छोटा फंक्शन घर के अंदर है, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन करना चाहता है तो वो फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं आएगा। जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करेगा उनकी फ़ीस को हमने 1,000 रुपये पर ऑनलाइन परमिशन के साथ है। मगर अगर कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक बारी, दो बारी या तीन बारी तक बिना परमिट के ऐसे फंक्शंस करती पाई जाती है तो फिर ETC के पास पावर है उस कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को 1 साल तक पूरी तौर पर बैन के तौर ले जाने की। और जहां मॉनिटरिंग की बात है, एक बहुत बड़ा सवाल बारी बारी उठता है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती, जहाँ हमने GPS इनेबल्ड व्हीकल्स मैंडेटरी करे हैं डिस्टिलर्स और होलसेलर्स के लिए, वहीं पहले तमाम डिस्टिलरी के ऊपर CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड थे,
अब हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि तमाम सीसीटीवी कैमरा शुड बी लिंक्ड विद इंटरनेट, दैट शुड बी अवेलेबल फॉर टेलीकास्ट एट द हेड क्वार्टर। तो हमारे पास चंडीगढ़ के अंदर तमाम डिस्टिलरीज की मॉनिटरिंग रहेगी। वहीं पहली बार होगा देश के अंदर जहां वेयर हाउसेस की भी मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे से होगी, विच विल बी लिंक्ड बाय डीएफएससी ऑफिस कनेक्टेड टू द हेडक्वार्टर्स। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूँगा, सीएम साहब के पास भी कई फौजी संगठन आए थे और उनकी बारी बारी ये मांग रही है, पैरामिलिट्री की खास तौर पर भी प्रदेश के अंदर उनकी दो कैंटीन है जिसके अंदर ये परमिट इशू होने चाहिए कि उनको भी जो मिलिट्री प्राइसेस हैं उसके ऊपर अल्कोहल अवेलेबल हो। कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो कैंटीन है उसके अंदर भी L9 लाइसेंस को हम परमिट करने का काम करें।